हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मैथ्स विजन पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि 25 और 125 से किसी भी नंबर को बिना पेन लगाए कैसे डिवाइड किया जा सकता है। इससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें और देखें आपको कितना टाइम लगता है। उसके बाद से वीडियो को चालू करें और देखें कि मेरे बताने के बाद जो मैंने मेथड बताया है उसके बाद आपको कितना टाइम लगता है। इसे डिवाइड करना हो तो कुछ नहीं करेंगे हम, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी नंबर लिखा होगा 11 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और दो अंक पे दशमलव लगा देंगे आंसर। ठीक है, इसमें देखिए 7 को डिवाइड करना है तो कुछ नहीं, 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28 और दो अंक पे दशमलव, सीधे आंसर आ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 27 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 4 100 और 2 4 8 प्लस कर दें तो 108 और दो अंक पे दशमलव आंसर। ठीक है, जब भी 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तब ऊपर वाले नंबर में हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दो अंक पे दशमलव लगा दें। इसी तरह 125 से जब भी डिवाइड करना हो किसी नंबर को आपको कुछ नहीं करना है, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और तीन अंक पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 8 आएगा, तीन अंक पे दशमलव लगाना है। हमारे पास केवल एक ही नंबर है तो 2 0 इधर लगा के डेसिमल लगा दीजिए आंसर। अब देखिए 32 को डिवाइड करना है 125 से तो बस वही करना है, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 16, 8 3 24 और 25 और उसको क्या करना है, तीन अंक पर दशमलव और यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह 3 को डिवाइड करना है 125 से तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 3 24, तीन अंक पर दशमलव लगाना है तो 1 0 एक्स्ट्रा लगाना होगा यहाँ डेसिमल। तो देखा आपने, इन क्वेश्चन को आप पहले खुद से करिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। ऐसे ही अगर शॉर्टकट्स और सीखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।